बहुत एक्साइटेड हूँ. यहाँ मेरा फर्स्ट टाइम है और अचीवर्स अवार्ड मिलना इज ऑलवेज इट्स अ सेंस ऑफ अचीवमेंट. सो हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. अभी प्रेपरेशन चालू है, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि मुझे पता नहीं कितना अलाउड है. बट डेफिनेटली जैसे मैंने ट्वीट में भी कहा आज, दैट टुडे जेन्युइनली मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील कर रही हूँ, क्योंकि एक मैंने मन में बोल दिया था कि मुझे राजामौली सर के साथ काम करना है और वो पूरी हो गई. सो और पूरी हो रही है. सो दैट ग्रैटिट्यूड आई रियली फील इमेंसली. और मेरे इट्स माई फर्स्ट टाइम वर्किंग यू नो इन द साउथ इंडस्ट्री, सो आई एम रियली एक्साइटेड. आई थिंक जब मैं कोई भी फिल्म करती हूँ तो मैं वो कैरेक्टर के हिसाब से और डायरेक्टर के हिसाब से काम करती हूँ. मैं अपने आप को भूल जाती हूँ. आई डोंट थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि मैंने कौन सा बेंचमार्क किया है. कैरेक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट है और जो डायरेक्टर मुझसे चाहते हैं कैरेक्टर के हिसाब से, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है. सो जो भी क्रिएट किया है मुझे पता नहीं है. मैं बस अभी इस फिल्म में जाके कुछ ऑनेस्ट और अच्छा क्रिएट करना चाहती हूँ. मैंने अभी एक्चुअली ट्वीट किया था कि जो द नेशंस वॉइस इज़ द नेशंस चॉइस. सो जो हमारा जो इलेक्शंस होता है वो हमारे जो एवरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया और जो भी हमारे कंट्री में है उनके लिए होता है. इट्स फॉर द कंट्री. सो आई अर्ज पीपल टू गो आउट देयर एंड कास्ट देयर वोट एंड मेक अ चॉइस. थैंक यू. जस्ट कि मैं बहुत सारा केक खाने वाली हूँ. थैंक यू. आराम से कोई जल्दी नहीं है, इधर तो लाइन भी नहीं लगी है.
मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हर फील्ड के लोगों को जो उनको मिलना चाहिए वो मिलता है। आई थिंक रिकॉग्निशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और हमको आधे टाइम पता भी नहीं चलता, क्योंकि बॉलीवुड और क्रिकेट के अलावा कोई और चीज़ में लोगों का ध्यान ज़्यादा जाता नहीं है। तो मेरे लिए भी बहुत एजुकेशनल होती हैं ये चीज़ें, एंड आई फील रियली प्राउड कि हमारी कंट्री में इतने सारे लोग हैं जो इतनी अमेजिंग चीज़ें करते हैं। तो सारे विनर्स को कॉन्ग्रेचुलेशन। फैंस को यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ वोट कीजिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंट्री हमारे हाथों में है और हम यंग लोग वोट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। थैंक यू। This is the first time I'm at the Maharashtra Achievers Award, and it's I've read so much about it, I've seen so much about it, so it's great to be here. I can tell you more after I'm done with it. I can't speak about the projects yet. I did a film last with Rajnikant sir, which released recently, so you'll hear about it soon. Thank you. Thank you. Thank you so much. You're welcome. Done, no? Sunil sir. Madam,
यहाँ पे क्या मैं बहुत खुश हूँ कि दो बड़े ब्रांड्स इकोनॉमिक टाइम्स और फेमिना ने मिलके महाराष्ट्र अचीवर अवार्ड्स आज इनिशिएट किए हैं और बहुत खुशी है कि जो अपने महाराष्ट्र में अचीवर्स है अलग अलग विविध क्षेत्रों में उनको आज रिकग्नाइज किया जा रहा है और दिस इज़ रियली हेल्पफुल कि वो फर्दर इंस्पायर हो और अच्छे काम करने के लिए और लोग भी जो उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं फॉलो कर रहे हैं वो भी इंस्पायर होंगे. I'm not sure whether I can speak about it in this platform, but यही कहूँगी कि आप काम देख के वोट कीजिए.